इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आजकल अक्सर लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। वैसे तो हर रोज कोई ना कोई इस सोशल मीडिया के जरिए लूट लिया जा रहा है, पर कहता कोई नहीं इसलिए कि शर्मिंदा ना होना पड़े। ये भी सच्चाई है कि सोशल मीडिया के जरिए फ्रेंड बनाना और दोस्ती को आगे बढ़ाना, पहले तो यूं ही चैटिंग होती रहती है, पर आगे जाकर यही चैटिंग महंगी भी पड़ती है। खूबसूरत लड़की की तस्वीर बनाकर कईयों को यूं ही बेवकूफ़ बनाया जाता रहता है। कभी फ़ोन के जरिए इनामात हासिल करने की बात कहकर रुपये लूट लिए जाते हैं, तो कभी आपका ATM कार्ड या बैंक से बात करने की बात कहकर ठग लिया जाता है। कुल मिलाकर फोन के जरिए धोखाधड़ी की वारदातों में जबरदस्त इजाफा होता दिखाई दे रहा है। इसी तरह की वारदात बेलगाम शहर में भी पेश आई है, जिसमें तकरीबन 88 लाख रुपए की मखमली टोपी पहनाई गई एक बुजुर्ग खातून के साथ यह मामला पेश आया। हासिल इत्तला के मुताबिक तिलकवाड़ी की एक खातून को किसी अजनबी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जिसे मोहतरमा ने कबूल कर लिया। फिर यूं ही तबादला ख्याल होता रहा, उसने कीमती तोहफे भेजे हैं जिसकी कीमत करोड़ों में होने की बात बताई। महज 4 महीने में इस बुजुर्ग खातून को तकरीबन करोड़ यानी कि 90 करोड़ के करीब रुपए लूट लिए गए। 20 से भी ज्यादा मरतबा पैसे दिए गए। जब आखिर में मालूम हुआ तो भी पैसे मांगना जारी रहा। 27 दिसंबर 2020 को कीमती तोहफे की यह गुफ्तगू जारी हुई। 18 जनवरी को कुरियर कंपनी से बोल रहा हूँ, लिहाजा लंदन से आपको कीमती तोहफा भेजा गया जिसकी कीमत करोड़ों में है, और आपका कीमती तोहफा हमारे यहाँ पर पहुंचा हुआ है। आपको महज 35,000 रुपए भरने हैं। बुजुर्ग खातून ने फौरन 35,500 रुपए जमा किए। किसी तरह और रब्ता कर उसने कुछ रुकावटों का जिक्र किया और 35,000 से 8 लाख रुपए तक तकरीबन 20 मरतबा रुपए जमा करने के लिए कहा। वह खातून पैसे तो जमा करती रही, लेकिन सामने से बजाय कीमती तोहफा हासिल होने के पैसे की ही मांग करता रहा। आखिर 88 लाख रुपए भरने के बाद भी कीमती तोहफे का कोई आता पता नहीं लगा। जब पता नहीं लगा तो पुलिस थाने का रास्ता अख्तियार करना मजबूरी बन गई। 18 जनवरी से 23 फरवरी तक जिस बैंक से पैसे भरने के लिए कहा, उस बैंक में करोड़ों के तोहफे के लालच में रुपए जमा करते रहे। 88 लाख की रकम महज फेसबुक फ्रेंड की वजह से गंवानी पड़ी, लिहाजा पुलिस भी इस मामले से हैरान रह गई। CEN के पुलिस अफसर BR गडेकर ने आवाम को यही पैगाम दिया कि फेसबुक के जरिए फ्रेंड रिक्वेस्ट किस तरह महंगी पड़ सकती। कुछ गिरोह तो सोशल मीडिया पर सरगर्म है। कभी कभी खूबसूरत लड़की के जरिए भी हनी ट्रैप किया जाता है, और जब पता चलता है तो रुपये तो चाहते ही हैं, ऊपर से बदनामी की वजह से बोल भी नहीं सकते। फोन के जरिए क्या क्या किया जाता है। हाल ही में रमेश जारकीहोली सीढ़ी मामले में भी आपने देखा होगा, जब बड़े सियासी लीडरों को ही सोशल मीडिया या हनी ट्रैप के जरिए बख्शा नहीं जाता। कहने का मतलब, सोशल मीडिया एक खूबसूरत जाल है। खूबसूरत लड़की का चेहरा, चैटिंग, मोबाइल नंबर, फिर देर तक बातों में लगाकर तुम्हें हर लिहाज से नंगा किया जाता है, जिसका ख्याल रखना हर एक को जरूरी है। इसी तरह कई झूठे प्रोफाइल बनाकर लड़कियों को तक फंसाया जाता है। महंगी कारें, आलीशान बंगले, बड़े ओहदे, बड़े कंपनियों पर फाइज होने की झूठी प्रोफाइल, जिससे लड़कियां भी माइल हो जाती है। सभी को आजकल आसानी से अमीर बनना होता है। किसी मशहूर शख्स का फर्जी अकाउंट खोलकर फ्रेंड्स के जरिए परेशानी में मुब्तला या अस्पताल में होने की बात कही जाती है। किसी बड़ी बीमारी से मुतासिर होने की बात कहकर अकाउंट में पैसा जमा करने की बात कही जाती है। कई बार तो अस्पताल के बिस्तर पर मरीज की तस्वीर को शाया करके रुपये हासिल किए जाते हैं। खैर, मतलब सोशल मीडिया किस कदर खतरनाक होता जा रहा है, सोचने की जरूरत है। हर जगह हर वक्त आपको धोखे से रुपये लूटने की तरकीबों से गुजरना पड़ सकता है। सोशल मीडिया के रिश्ते अक्सर बेबुनियाद ही होते हैं, जिसकी कोई सच्चाई नहीं होती। लिहाजा सभी को इस खतरनाक जाल से बचना होगा। इसी तरह की गुजारिश पुलिस महकमा की जानिब से की गई है, क्योंकि साइबर क्राइम में बेशुमार फरियादों को दर्ज किया जा रहा है। अजनबी दोस्तों की दोस्ती कहीं तुम्हारे लिए महंगी ना पड़ जाए। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।